रुपा जी, दर्शक जुड़े हुए अमित पटेल जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं चने में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। रुपा जी, हम देख तो रहे हैं कि चने MSP से नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी चीज को अगर रिटेल में खरीदने जाए तो इस समय भी देखने की चना 100 रुपए किलो के आसपास बना हुआ है। किसानों से तो मंदे में खरीद लिया जाता है, लेकिन आम जनता को वही चीज महंगी करके तब भी बेची जा रही थी, सरकारी प्रयासों से पहले भी और अब भी सरकारी फैसलों के बाद भी जनता को वही चीज महंगी मिल रही है। आपको क्या लगता है चने में अभी क्या करके चलना सही रहेगा और कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए, फिलहाल चने में बिकवाली का ही दौर है, चने में कीमतें जो है, जहाँ रिटेल की बात है, रिटेल में ही लेवल के आसपास बनी रहेंगी, 90 से लेकर 100 रुपए के बीच में। और जहाँ तक होलसेल का बात है, मुझे लगता है कि स्टॉकिस्ट के पास जितना भी माल रखा हुआ है, आगे चलकर प्रेशर ही आने वाला है। दालों के अंदर फिलहाल तेजी नहीं है, जब वायदा पर ट्रेड होता था तब काफी मूवमेंट वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी, लेकिन अभी तब से लेकर अब तक बाजारों में हमने दबाव ही देखा है और आगे चलकर भी उम्मीद है कि दालों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। जी,